एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को पूरा एक महीना हो चुका है। बीते महीने 14 जून के दिन सुशांत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर बहस जारी है। सोशल मीडिया पर लोग अपने गुस्से को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्टार किड्स पर लगातार निशाना भी साधा जा रहा है। इसी बीच बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, करण जौहर जैसे कई सुपरस्टार्स हैं जो कि ट्रोलिंग का सामना करते हुए भी नजर आए। जहां एक ओर ट्रोलिंग का सामना करते हुए देखे गए, तो वहीं इन स्टार्स ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट से कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिया। ऐसे में अगर बात की जाए आलिया भट्ट के बारे में, तो आलिया भट्ट हमेशा ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। लेकिन ट्रोलिंग का सामना कर रही आलिया भट्ट ने बीते कुछ समय पहले सोशल मीडिया से दूरी बना ली और अचानक से सोशल मीडिया से गायब नजर आईं। इतना ही नहीं, आलिया भट्ट ने ट्रोलिंग से परेशान होकर अपना कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिया। लेकिन अब आलिया भट्ट सोशल मीडिया पर फिर से वापस आ गई हैं। जी हां, नेपोटिज्म को लेकर लगातार गुस्से को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर। तो वहीं इसी बीच अब आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट का ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में इंस्टाग्राम पर आलिया भट्ट ने एक स्टोरी शेयर की। इस स्टोरी पर आलिया भट्ट ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिसके चलते उनका ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आलिया भट्ट लिखती हुई नजर आई हैं, जितना आप सोचते हैं खामोशी उससे कहीं ज्यादा बोलती है। वेल, इस पोस्ट से जाहिर होता है कि आलिया भट्ट भी ट्रोलिंग से काफी परेशान हो गई और अब आलिया भट्ट ने चुप्पी तोड़ दी है। आलिया भट्ट ने ये पोस्ट शेयर किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस पोस्ट में आलिया भट्ट ने एक तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, साइलेंस सेज अ लॉट मोर देन यू थिंक। और इस तरीके से आलिया भट्ट का ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों, इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।